Assalamu alaikum and welcome back to Audio Shots. Titanic was a ship of dreams. Titanic अप्रैल 1912 में Atlantic की तह में जा सोया. It was struck by an iceberg और iceberg की वजह से damage इतना हुआ, पानी इतना आना शुरू हुआ कि Titanic बिलाखर डूब गया. Titanic का एक और sister ship था, उसका नाम था Britannic. Britannic को भी Belfast की dry dock में बनाया गया. लेकिन Britannic 3 साल बाद ही अपने sister ship टाइटैनिक को समंदर की अथाह गहराइयों में ज्वाइन कर लेता है. इट वॉज ऑल्सो संक. फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना था कि टाइटैनिक अटलांटिक में डूबा था और ब्रिटैनिक मेडिटेरेनियन सी में डूबा था. ब्रिटैनिक की ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि ब्रिटैनिक के क्रू के अंदर कई लोग ऐसे मौजूद थे जो कि टाइटैनिक के सर्वाइवर्स थे, जिन्होंने टाइटैनिक को डूबता हुआ देखा था और उन्हीं में से चंद लोगों ने ब्रिटैनिक को भी डूबते हुए देखा. ब्रिटैनिक को टाइटैनिक के बाद बनाया गया था. ब्रिटैनिक के अंदर सेफ्टी फीचर्स टाइटैनिक से भी ज़्यादा रखे गए थे. ब्रिटैनिक के अंदर डबल हल भी मौजूद था, जिसका मतलब ये था कि अगर बाहर से कोई चीज़ ब्रिटैनिक के हल को डैमेज करती है तो पानी तब भी अंदर नहीं आएगा. ब्रिटैनिक के अंदर लाइफ बोट्स ज़्यादा फराहम की गई थी, जितना क्रू था उससे कहीं ज़्यादा लाइफ बोट्स. लेकिन इसके बावजूद ब्रिटैनिक 21 नवंबर 1916 को मेडिटेरेनियन सी में डूब जाता है. तो ये सब कुछ क्यों हुआ? व्हाई डिड ऑल ऑफ दिस हैपन? इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद, डबल हल होने के बावजूद ब्रिटैनिक सिंक क्यों हुआ? आज की वीडियो इन्हीं तमाम फैक्ट्स के बारे में होगी. मेरे साथ रहिएगा, आप लोग देख रहे हैं ऑडियो शॉर्ट्स. मेरा नाम है जाहिद निसार. लेट्स स्टार्ट. टाइटैनिक की तरह ब्रिटैनिक को भी बेलफास्ट के ड्राई डॉक में बनाया गया था, एग्जैक्टली उसी ड्राई डॉक में जिसमें टाइटैनिक बना था. इस जहाज को सन 1910 में बनाया गया और उस वक्त बर्तानिया का जो सबसे बड़ा जहाज था, बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज था, दैट वॉज ब्रिटैनिक, क्योंकि टाइटैनिक ऑलरेडी डूब चुका था. बेलफास्ट की ये ड्राई डॉक जहाँ पे दोनों के दोनों जहाज बने थे, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्राई डॉक थी. इट वॉज द बिगेस्ट ड्राई डॉक इन द वर्ल्ड. लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त पहली जंग अजीम चल रही थी. जर्मनी ऑलरेडी अलाइड फोर्सेस को और अलाइड कंट्रीज को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहा था. कई मर्चेंट शिप्स ऐसे थे जिनको सर्विस से निकालकर इस काम पर मामूर कर दिया गया था कि वो ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस के सोल्जर्स को, जो कि जख्मी हालत में हैं और जो कि फील्ड के ऊपर नहीं रह सकते, उनको वहां से पिक करें और वापस अपने मदर कंट्री लेकर आएं. ऐसे में एक जहाज के साइज का फायदा उठाते हुए और ये सोचते हुए कि यार ये इतना बड़ा जहाज है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, यहाँ पे हम ज्यादा अपने इंजर्ड सोल्जर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, ब्रिटैनिक को हॉस्पिटल शिप करार दे दिया गया. पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया के साथ मुकाबला करते हुए बर्तानिया को गैलीपुलू के मुकाम पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और बर्तानिया के बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए, जिनको ग्रीस के जजीरे की पर लाया गया. ब्रिटैनिक को इस चीज़ पर मामूर किया गया कि जनाब आप जाएं और की के जजीरे पर जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं उनको आप उठाएँ और उनको वापस बर्तानिया लेकर आएँ. ये साल है 1916 का, महीना है नवंबर का और तारीख है 21. सुबह के 8 बजे जहाज़ पर नाश्ता चल रहा है एंड एवरीबडी इज़ रिलैक्स्ड, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. इसी वक्त जहाज के अगले हिस्से यानी कि फॉरवर्ड पार्ट में एक एक्सप्लोजन होता है. इस एक्सप्लोजन की वजह से फॉरवर्ड के बॉयलर रूम्स फ्लड होना शुरू हो जाते हैं. फ्लड होने का मतलब ये होता है कि पानी फॉरवर्ड के बॉयलर रूम्स के अंदर आना शुरू हो चुका है. द शिप इज कम्प्लीटली रटल्ड फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट. एक ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशन होती है और जहाज के फॉरवर्ड हिस्से में वो तमाम का तमाम क्रू जो कि फॉरवर्ड बॉयलर रूम्स में काम कर रहा है, अचानक पैनिक हो जाता है. कैप्टन को जैसे ही इस एक्सप्लोजन का अंदाजा होता है, वो अपने पजामे में दौड़ते हुए ब्रिज की जानिब जाते हैं. एंड द फर्स्ट ऑर्डर ही गिव्स व्हेन ही रीचेस ऑन ब्रिजेस कि तमाम के तमाम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाए. ऑल ऑफ देम हैव टू बी कम्प्लीटली शट. लेकिन पानी की इंग्रेस नहीं रुकती. पानी 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है. लेकिन जहाज का अमला, क्रू, इंजीनियर्स इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को बंद किया जाए. उनके ऑर्डर्स पर जहाज का इंजन रोक दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है. याद रखिएगा कि ब्रिटैनिक समंदर की तह के अंदर 55 मिनट के अंदर अंदर डूब चुका था. उस वक्त जहाज के कप्तान को अंदाजा नहीं था कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट है सर्वाइवल के लिए. लेकिन टाइटैनिक के इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रही है, जहाज के कप्तान जहाज के तमाम इमरजेंसी सायरन्स को बजाने का ऑर्डर देते हैं. साथ ही वो इस बात का ऑर्डर भी देते हैं कि तमाम के तमाम लाइफ बोट्स को स्विंग आउट कर लिया जाए, लोगों को उनके कंपार्टमेंट से बाहर बुला लिया जाए, उनको लाइफ बोट्स के अंदर बिठा दिया जाए और सिर्फ अबैंडन शिप का इंतजार किया जाए. जहाज के अमले और क्रू का रिस्पांस बहुत अच्छा है. एवरीबॉडी जस्ट गेट्स आउट ऑफ देयर केबिन्स, दे गो इनटू द लाइफ बोट्स एंड दे वेट फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर्स.
सबके सब लोग लाइफ बोट्स के अंदर बैठ चुके हैं और लाइफ बोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन जहाज के कप्तान अबैंडन शिप का ऑर्डर नहीं देते, बिकॉज उनका ख्याल ये था कि अगर हमें किसी माइन ने स्ट्रक किया है तो हमारे पास अभी भी इनफ वक्त, काफी वक्त मौजूद है कि हम अपने जहाज को बचा सकें। जहाज आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड की तरफ ट्रिम होना शुरू होता है और साथ ही स्टार्बर्ड साइड के ऊपर लिस्ट होना शुरू होता है। स्टार्बर्ड साइड का मतलब होता है दाएं तरफ, यानी कि दाएं तरफ जहाज आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट करना शुरू कर चुका है। तकरीबन 8:27 पर जहाज के कैप्टन इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो अपने जहाज को बचा सकें। एंड द प्लान दैट ही डिवाइजेस टू सेव हिज शिप इज कि वो अपने जहाज को चलाएंगे, क्योंकि उनका जहाज, याद रखिएगा, ग्रीस के जजीरे की से सिर्फ 3 माइल दूर है, 3 नॉटिकल माइल्स। ही टर्न्स हिज शिप, अपने जहाज का वो इंजन चलाते हैं और उनका प्लान अब ये है कि वो जहाज को ले जाएं और उसको बीच करते हैं। बीच करने का मतलब ये होता है कि जहाज को जमीन के ऊपर चढ़ा दें। ऑफ कोर्स उनके इस एक्शन के बाद जहाज तो इस काबिल नहीं रहेगा कि दोबारा सेल कर पाए, लेकिन तमाम का तमाम जहाज का अमला, वो तमाम अफराद जो कि जहाज के ऊपर मौजूद हैं, उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। उस वक्त, उस दिन जहाज के ऊपर 1065 अफराद मौजूद थे, 1065। इनमें से दो कैरेक्टर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कैरेक्टर हैं आर्ची ज्यूल, जो कि एक सीमन थे और लुकआउट की ड्यूटी पर मामूर थे, और आर्ची जेसन, जो कि एक स्टीवर्डस थी। इनके अंदर खास बात क्या थी? इनके अंदर खास बात ये थी कि ये दोनों के दोनों वो अफराद हैं जो टाइटैनिक जब डूबा था तो उसके अंदर मौजूद थे, और ये दोनों के दोनों अफराद टाइटैनिक के हादसे में बच चुके थे, और अब ब्रिटैनिक पे उनको एग्जैक्टली सेम सिचुएशन का सामना था। कैप्टन के सेक्शन लेने के तकरीबन 5-6 मिनट के बाद उनको एक खबर मौसूल होती है कि बॉयलर रूम नंबर 5 और 6 भी फ्लड होना शुरू हो चुके हैं। अहम बात यह है कि बॉयलर रूम नंबर 5 और 6 वो तो ऑलरेडी वाटर टाइट कर दिए गए थे, उनके डोर्स बंद कर दिए गए थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके अंदर पानी आना शुरू हुआ? तो जनाब, जब सिचुएशन को असेस किया गया तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि फॉरवर्ड पार्ट में जब एक्सप्लोशन हुआ था तो जहाज़ हल्का सा ट्विस्ट हो गया था, और उस हल्के से ट्विस्ट होने की वजह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के डोर्स बंद हो तो रहे थे लेकिन पूरे बंद नहीं हो रहे थे, और उनके कॉरिडोर्स के अंदर से पानी अभी भी निकल कर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के अंदर आ रहा था। इसके साथ ही एक और बात ये हुई कि अब जब मजीद पानी जहाज के अंदर आया, जहाज ने थोड़ा सा और सिंक किया पानी के अंदर, तो जहाज के लोअर डेक के ऊपर जो पोर्ट होल्स थे, जो खिड़कियां थी, वो खुली हुई थी। आपको मैं यहाँ पर एक मजेदार बात बताता चलूं कि जहाज के ऊपर जितने भी पोर्ट होल्स होते हैं दे आर वाटर टाइट। वो शीशे के बने हुए जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से बंद कर दें तो उनके अंदर पानी नहीं आ सकता। दे कैन विद स्टैंड अ लॉट ऑफ वाटर प्रेशर। इन पोर्ट होल्स खुले होने का मतलब ये था कि पानी यहाँ से आजादाना तरीके से अंदर आ रहा था, और जहाज अब मजीद रिस्की सिचुएशन का सामना कर रहा था। और ऑफ कोर्स जहाज के कैप्टन को ये अंदाजा नहीं था कि अब पोर्ट होल से भी पानी आना शुरू हो चुका है। ओनली थिंग दैट ही कुड फाइंड आउट एंड ही कुड सी वाज कि उसका जहाज मजीद आगे से ट्रिम होता जा रहा है और मजीद स्टारबर्ड, यानी कि दाएं जानिब लिस्ट होता जा रहा है। वो अपना ये सफर जारी रखते हैं, यानी कि ग्रीस के जजीरे की तरफ। जैसे जैसे वो यूनान के जजीरे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जहाज मजीद ट्रिम होता है और मजीद लिस्ट होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जहाज का पोर्ट साइड का पिछला प्रोपेलर पानी से बाहर आ जाता है। याद रखिएगा, टाइटैनिक और ब्रिटैनिक, ये जो पूरी सीरीज जहाजों की बनाई गई थी, इनमें 2 प्रोपेलर्स थे, एक स्टार्बर्ड साइड की तरफ था, एक पोर्ट साइड की तरफ था। ऐसे में एक अजीब सी बात होती है कि जहाज के कप्तान साहब ने लाइफ बोट्स को बोर्ड करने का ऑर्डर तो दे दिया था, क्रूज के अंदर बैठ भी चुका था, लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि लोअर द लाइफ बोट्स या अबैंडन शिप। ऐसा कोई ऑर्डर किसी भी क्रू को पास नहीं किया गया था। ऐसे में होता क्या है जनाब कि जहाज का कुछ अमला बगैर किसी ऑर्डर की परवाह किए हुए अपनी लाइफ बोट को जहाज के पोर्ट साइड पर पानी में उतार देता है। अब जहाज का प्रोपेलर आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर आ रहा है, पोर्ट साइड प्रोपेलर। ये प्रोपेलर उस लाइफ बोट को अपने अंदर सक कर लेता है, और जब ये लाइफ बोट को अपने अंदर सक करता है तो वहां पर बैठे हुए जितने भी अफराद हैं उनका लिटरली हकीकतन ये प्रोपेलर कीमा बना देता है। समंदर की सतह इंसानों के खून से रंगीन हो जाती है, लेकिन कैप्टन, जो कि जहाज के ब्रिज के ऊपर मौजूद है, उनको उस चीज़ का कतई तौर पे कोई इल्म नहीं है कि ऐसी कोई लाइफ बोट उतारी भी गई है और ऐसी कोई लाइफ बोट प्रोपेलर के अंदर भी आ चुकी है, क्योंकि जाहिरी सी बात है, ही हैज नॉट गिवन द ऑर्डर टू अबैंडन द शिप। ऐसे में एक और चीज़ क्या होती है कि एक और लाइफ बोट है जो कि पोर्ट साइड के ऊपर मौजूद है और जहां पर लोग बैठे हुए ऑलरेडी ये देख रहे हैं। उस लाइफ बोट पर बैठे हुए लोग इन तमाम चीज़ों के बावजूद, ये सब कुछ देखने के बावजूद, अपनी लाइफ बोट को पानी के अंदर उतार देते हैं। इसी लाइफ बोट के ऊपर वो स्टूवर्डस भी मौजूद हैं जिनका नाम है वॉयलेट जेसन, जो कि टाइटैनिक के सिंक होने के हादसे को सरवाइव कर चुकी थी। ये लाइफ बोट पूरे जोर से आके पानी की सतह के ऊपर गिरती है, कम्प्लीटली शटर हो जाती है, और इस लाइफ बोट के ऊपर सवार अफराद में से भी काफ़ी सारे अफराद इसी पोर्ट साइड के प्रोपेलर के अंदर सक होते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
जहाज के पिछले हिस्से में ये खून का खेल जारी है। लोग अपनी लाइफ बोट्स को लोअर कर रहे हैं और प्रोपेलर के अंदर फंस रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्रिज पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई कि जिसकी मदद से जहाज के कैप्टन को ये पता लगे कि जहाज के पिछले हिस्से में लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। द टाइम कीप्स ऑन पासिंग और तकरीबन सुबह के 9:10 पर कैप्टन साहब को ये पूरी तरीके से अंदाजा हो जाता है वो इतनी कम गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे कि उनका जहाज बीच हो सके, और फाइनली वो ये फैसला करते हैं कि जहाज के इंजन को रोक दिया जाए। जहाज के इंजन को रोक दिया जाता है तो तब भी फ्लडिंग की सिचुएशन बेहतर नहीं होती। याद रखिएगा, जहाज का फॉरवर्ड हिस्सा डैमेज हुआ था, और एक और चीज़ जो उस वक्त ख्याल की जा रही थी वो ये थी कि चूंकि जहाज चल रहा है तो फॉरवर्ड वाले हिस्से में पानी और गश करके तेजी से अंदर आ रहा है, बट नन ऑफ इट वॉज करेक्ट। जहाज के अंदर पानी उसी स्पीड से आता रहा। तकरीबन 9:15 पर जहाज के कैप्टन साहब अबैंडन शिप का ऑर्डर देते हैं। तमाम की तमाम लाइफ बोट्स उतार दी जाती हैं। ब्रिज के ऊपर जितने भी ऑफिसर्स मौजूद हैं, कप्तान साहब उनको ऑर्डर देते हैं कि आप सब अपनी अपनी लाइफ बोट्स में जाएं और आप अपनी लाइफ बोट्स को लोअर करके चले जाएं। तकरीबन 9:16 पर पानी इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो जहाज के ब्रिज तक पहुंच जाता है। जहाज का ब्रिज जहाज के लिविंग क्वार्टर्स का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से जहाज को नेविगेट किया जाता है। सबके सब ऑफिसर्स ब्रिज से जा चुके हैं। देयर इज नोबडी ऑन द ब्रिज, ओनली कैप्टन इज देयर। और जहाज के कैप्टन जहाज के स्टार्बर्ड साइड पर चलते हुए पानी में उतर जाते हैं। वो तमाम के तमाम लोग जो कि लाइफ बोट के अंदर बैठे हुए इस पूरे के पूरे मंजर को देख रहे हैं, वो इस चीज़ की उम्मीद करते हैं और इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि जहाज़ जब डूबे और जब वो पानी को अपने अंदर सक इन करे तो जहाज़ के कप्तान को अपने साथ सक इन ना करे, ताकि कम से कम उनको बचाया जा सके। 30 पानी के अंदर तैरने के बाद एक लाइफ बोट इस काबिल होती है कि वो जहाज़ के कैप्टन को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। इस जहाज़ के 1,065 अफराद में से 30 अफराद जो कि जहाज़ के पोर्ट साइड प्रोपेलर की नज़र हुए, वो सब के सब अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। उनका कुछ भी नहीं बचा। दे वर कम्प्लीटली डिसमेंबर्ड और उनका पहचाना जाना तकरीबन नामुमकिन था। इस पूरी की पूरी स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है जनाब, कि वो तमाम के तमाम लोग जो कि जहाज़ के फॉरवर्ड वाले हिस्से में बॉयलर रूम्स के अंदर काम कर रहे थे, दे डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर्स, और अपनी लाइफ बोट को उतारने के बाद वो जहाज़ के प्रोपेलर में फंसे और अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। और अगर ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता तो शायद उनकी भी ज़िंदगियाँ दाव पर ना लगती। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाज़ के कैप्टन ने कभी भी ये ऑर्डर नहीं दिया कि आप जहाज़ के लोअर पार्ट के पोर्ट होल्स को कम्प्लीटली खोल दें वेंटिलेट करने के लिए। ये ऑर्डर किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, हमें शायद आज तक इसका पता नहीं चल पाएगा। वो नर्सेज जिन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि सारे के सारे पोर्ट होल्स खोल दो जाके हवा क्रॉस हो सके, लेकिन उन्होंने कभी भी उस डॉक्टर का नाम नहीं लिया कि वो डॉक्टर साहब थे कौन जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जहाज़ के पोर्ट होल्स को खोल दिया जाए। ये जो मजीद पानी जहाज़ के अंदर आया, इसने जहाज़ के डूबने की रफ्तार को और तेज़ कर दिया। जहाज़ मजीद तेज़ी से समंदर की तह की तरफ बढ़ा। अगर ये पोर्ट होल्स ना खुले हुए होते तो शायद कप्तान साहब इस काबिल हो जाते कि वो जहाज़ को बीच करते, उसको खुशकी पर चढ़ाते, और फिर मेरे ख्याल में जान का ज़िया कोई भी नहीं होना था। ऑल ऑफ देम मस्ट हैव बीन सेव्ड। इस जहाज़ की कमांड जिन कप्तान साहब के हवाले की गई थी, उनका नाम था कैप्टन चार्ल्स फ्रेट, एंड ही हैड 33 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट सी। कैप्टन चार्ल्स ब्रैट इससे पहले बहुत सारे ऐसे जहाज़ों की कमांड कर चुके हैं जिनकी स्पीड इस जहाज़ के बराबर थी या इसके आसपास थी, और जिनका साइज़ भी इसी जहाज़ के आसपास था। जहाज़ के कप्तान का ये 33 साल का तजर्बा जहाज़ के लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि देयर कैप्टन इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड। लेकिन इस एक गलती की वजह से, ऑर्डर्स को फॉलो ना करने की वजह से, जहाज़ के कप्तान साहब का ये 33 साल का तजर्बा भी इस काबिल नहीं हो पाता कि वो जहाज़ के तमाम अमले के अफराद को, क्रू को, तमाम पैसेंजर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, स्टूवर्ड्स को, हर एक को बचा सके। और इस तरह से अपने सिस्टर शिप टाइटैनिक के बाद 21 नवंबर सन 1916 को ब्रिटैनिक भी अपने सिस्टर शिप को समंदर की तह में ज्वाइन कर लेता है। ब्रिटैनिक का रैक भी ऑब्वियसली दरियाफ्त हुआ, और इस चीज़ के बावजूद कि 1916 में जब इस जहाज़ पे एक्सप्लोशन हुआ था तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने एक रील चला दी थी कि टॉर्पीडो किया गया जहाज़ को, लेकिन इस जहाज़ के ऊपर ऑलरेडी हॉस्पिटल का साइन बना हुआ था कि इस जहाज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जख्मी जंगी अफराद हैं, और जर्मन्स हॉस्पिटल शिप्स को टारगेट नहीं करते थे। एंड फाइनली जब ये रैक डिस्कवर हुआ, यहाँ पर डाइवर्स गए और उन्होंने देखा तो वाकयतन इस जहाज़ को टॉर्पीडो नहीं लगा था, बल्कि इस जहाज़ को एक माइन ने हिट किया था जो कि तकरीबन एक हफ्ता पहले जर्मन की यू बोट्स ने वहाँ पर बिछाई थी। तो ये था जनाब ब्रिटैनिक, ये था ब्रिटैनिक का सफ़र, और इस तरह से ब्रिटैनिक की तकदीर भी मेरे ख्याल है उसी कलम से लिखी गई थी जिस कलम से टाइटैनिक की तकदीर लिखी गई थी। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इस बार जानों का ज़िया उतना नहीं हुआ जितना कि टाइटैनिक में हुआ था। और इसके साथ ही आज की वीडियो का होता है इख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली. दिस इज मी जाहिद निसार. आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स. अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.